पहले हमास ने तेल अवीव के इलाकों में रॉकेटों की बौछार की और इसके कुछ ही घंटों बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए संडे 26 मई 2024 की देर रात रफा पर हमला कर दिया। दरअसल पिछले हफ्ते ही यूएन की टॉप अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल को रफा में उसकी जारहियत रोकने का हुक्म दिया था, लेकिन इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतवार की रात हुए हवाई हमले में बच्चों समेत 45 मजलूम जां बहक हो गए और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हमले को लेकर अमेरिका सहित पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब इस्लामिक मुल्कों का ग्रुप OIC सामने आया है। OIC के जनरल सेक्रेटरी हुसैन ताहा ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इंसानी हुकूक और इंटरनेशनल कवानीन को ताक पर रख दिया गया है। इसके साथ ही सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE सामने आए हैं और इसराइल पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि रफा और सभी कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सीधे तौर पर इसराइल और उसके अफसर जिम्मेदार हैं। इसराइल को अब फिलिस्तीन को तस्लीम कर लेना चाहिए। वहीं कतर और कुवैत ने तुरंत जंग रोकने की मांग की है। अमेरिका रफा पर हमले को लेकर इसराइल से बेहद नाराज है, लेकिन इसराइल को कोई परवाह नहीं है। वो हमास के खात्मे को लेकर बजिद है, भले ही इसमें मजलूम फिलिस्तीनियों की जाने जा रही हैं। अब सबकी निगाहें रफा पर टिकी हुई हैं। ऑल आईज ऑन रफा, ये फ्रेज सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। दरअसल इसराइली हमलों से मुतासर फिलिस्तीनियों को दुनिया भर की हिमायत मिल रही है। फिलिस्तीन के समर्थन में कई मशहूर हस्तियों ने हैशटैग ऑल आईज ऑन रफा के साथ मैसेज शेयर किए हैं। अब सोशल मीडिया पर यह तेजी से ट्रेंड कर रहा है। रफा क्रॉसिंग गजा में इंसानी मदद पहुंचाए जाने का अहम मरकज था और यहीं से होकर इंसानी मदद के ट्रक गजा पहुंच रहे थे, लेकिन इसराइल ने गजा के बाद रफा को कब्रिस्तान बनाना तय कर लिया है और क्रॉसिंग पर अपना कब्जा जमा लिया है। गजा में हमलों की वजह से 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, जिनमें ज्यादातर पलायन इसराइल और हमास के बीच पहले चल रही जंग के बीच हुए थे। फिलिस्तीनियों का इल्जाम है कि वो जहां भी जाते हैं इसराइल उन पर हमले कर देता है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और दीगर इसराइली अधिकारियों पर गिरफ्तारी के वारंट की तलवार लटक रही है। नेतन्याहू इसराइली हमले को लेकर दुख जता चुके हैं और जांच के आदेश भी दे चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू के घड़ियाली आंसू कितने मजबूत थे उसकी वानगी तब दिखी जब नेतन्याहू के माफी मांगने के अगले ही दिन इसराइली सेना मगरबी रफा में एक और राहत कैंप पर टूट पड़ी। भारत में भी मजलूम फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए लाखों करोड़ों लोग ऑल आईज ऑन रफा मुहिम के साथ हैं। सोशल मीडिया पर कई बॉलीवुड सितारे भी उसके सपोर्ट में आ गए हैं। मशहूर हस्तियों में इंडियन फिल्म एक्टर वरुण धवन, एली गोनी, समांथा रूथ प्रभु, तृप्ति डिमरी और स्वरा भास्कर ने अपना इंस्टाग्राम पोस्ट पर ऑल आईज ऑन रफा ग्राफिक्स पोस्ट किए हैं। हैशटैग ऑल आईज ऑन रफा टिकटॉक पर 1,95,000 से ज्यादा पोस्ट और लाखों व्यूज दे चुका है और लगभग 1,00,000 पोस्ट के साथ इंस्टाग्राम पर ट्रेंड हो रहा है। इसराइल फिलिस्तीन में तबाही मचा रहा है और दुनिया बेबस है। देखना होगा सोशल मीडिया पर दुनिया की ये मुहिम क्या रंग लाती है।